हेयर ऑलिंग से शुरुआत करूंगी उससे पहले एम गुंग टू बी यूंगट टूथकम टू रिटेंगल ऑल ऑफ माई हेयर इससे क्या होगा मेरे बाल उलझेंगे नहीं जब मैं अपने बालों को मसाज दूंगी आफ्टर अपलाइंग देर ऑयल एंड फॉर हेयर लव ब्यूटी एंड प्लेनेट्स वर्जन कोकोनट ऑलो हैज एलोवेरा एंड मिक्स अफ डिफरेंट ऑयल मैंने कुछ तीन चार पंप लिए हैं गोन ऑफ मॉमिटा बिटवीन माई फिंगर एंड गोइंग टू अपलाई दिस डायरेक्टली ऑन माई स्केल्सो द लेंथ ऑफ माई हेयर उसके बाद आई विस्ट मसाजिंग माई स्केल विद दिल्प ऑफ दी टिप ऑफ माई फिंगर बिल्कुल नाखून का यूज नहीं करना है आई बीन ऑलिंग माई हेयर वन अक ना डेज एंड जो रियली टू लाइक डीपली नरिश एंड कंडीशन द स्कै एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ माई हेर कुछ दस मिनट मैंने स्केप को अच्छे से मसाज किया होगा आई एम गोन क्रिएट अब बर्न एंड कीपट फॉर ट्वेंटी मिनट्स

में चला जाता है वन यू वॉशिंग योर हेयर एंड दैट्स हाउ यू बेसिकली द लेंथ ऑफ योर हेयर एज वेल सो आफ्टर शैम्पुंग माई हेयर एम थर्टली क्लींस माई हेयर यूजिंग नॉर्मल वॉर नाउ टू कंडीशन दी लेंथ ऑफ माई हेयर आई बी एक्चुअली यूजिंग अ हेयर मास्क दिस इज स्ट्रिचअप हॉट ऑयल ट्रीटमेंट कैरेटिन हेयर मास्क सो इस हेयर मास्क का थोड़ा सा क्वांटिटी लेके एक्चुअली थोड़े से थोड़ा, थोड़ा ज्यादा लिया है मैंने क्वांटिटी आल बी अपलाइंग दिस ऑन माई वेट हेयर आई फील लाइक वन आई अपलाई दिस ऑन माई वेट हेयर ना इट्स इजियर फॉर मी टू स्प्रेड दिस इवनली ऑन माई हेयर एन हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद आई एम गोना कीप माई हेयर इन अ बर्न फॉर एटलीस्ट least two minutes. And two minutes later, I'm going to rinse off this hair mask using normal water. ऐसा लग रहा होगा कि मैंने warm water use किया है. Just my camera picked up the fogginess from the surrounding. इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. But नहीं मैंने normal water use किया है. बालों को अच्छे से धोने के बाद I'll be using my microfiber head wrap to soak up the excess water from my hair. And then I'll be creating a bun using this head wrap. ये काफी काम की चीज है. ये ना इतने अच्छे से बालों से excess water soak कर लेता है within like 10 minutes of keeping this on the head. टू क्लिन एंड स्क्रब माई बॉडी आई बी यूजिंग बर्स एंड बेरीज नरिशिंग बॉडी वॉश इन मैकेटिया एंड वनीला मैंने इसका दो पंप ऑर्गेनिक लूफा में लिया है विच इज कॉन बी हेल्पफुल फॉर एक्सोलेटिंग दी बॉडी दिस बॉडी वॉश स्मेल्स लाइक क्रीमी नटी वेला आई ऑल्सो लाइक टू समाइम केमिकल एक्सोलेटर बॉडी वाशेज टू वॉश माई बॉडी नॉ टू रिमूव माई हैंड्स एंड अर हेयर आय बी यूजिंग कार्मेसिस बॉडी रेजर स्विंग मैंने हमेशा कहा कि रेजर का डिजाइन काफी मैटर करता है की आप अपने बॉडी को कितने अच्छे से शेव कर पा रहे हो सो एजेस कैन सी दिस रेजर हैजूनिक डायमंड

हेयर इन वन स्ट्रोक और मुझे बार बार एक ही जगह शेव नहीं करना पड़ेगा ऑल्सो आई डोट हैल लुब्रिकट बिकॉज इट हैचर रिबन विच इज मेडअप ऑफ एलोवेरा एंड वाइटमिनट एंड दे रिड्यूज द फ्रिक्शन दी बॉडी एंड द रेजर सो हैंड्स को शेव करने के बाद मैंने अनराम हेयर को भी अच्छे से शेव किया ऑल्सो दिस रेजर इज स्लाइटलीर दॉमल रेजर विच गि बेटर कंट्रोल ऑन दी मूवमेंट वेल यूर शेविंग योर बॉडी मैंने पैरों में रेजर यूज नहीं किया है आई डूट प्रीफर वैक्सिंग ओवर शेविंग फॉर माई लेग्स बट फॉर माई हैंड वैक्सिंग और शेविंग दोनों प्रीफर करती हूँ एनी वे आरेंज माई एंटायर बॉडी माई नॉर्मल वाटर और आपको पता है क्या ये जो रेजर का हेड है ना दिस इज मैग्नेटिकली अटैच टू दी बॉडी आप लोग देख सकते हो कितने आसानी से निकल जाता है बॉडी और नया हेड लगाना है तो ब्रिंग द्लोजर टू दी बॉडी इट विल गेट अटैच विद एंड दिस रेजर कम्स इन थ्री डिफरेंट पेस्टल कलर दर इज पिंक पैशन दर इज येलो डेज एंड देन एक्वा डिलइट जो कि मैंने यूज किया है इस वीडियो में एंड दिस इज एक्चुअली माई फेवरेट कलर आउट ऑफ थ्री बॉडी को वॉश और एक्सफोलेट कर लिया इट्स टाइम टू डू द सेम फॉर द फेस फॉर दैट फर्स्ट आई बी यूजिंग नीम यूज निक एसिड फेस वॉश बाय डॉक्टर शेड दिस इज अ वेरी माइल्ड एक्सोलेटर ये काफी अच्छे से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में मदद करता है इट ऑलसो टारगेट्स वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स आई एम नॉट गोइंग टू पैट्रा मै स्किन ये आल बी यूजिंग कार्मीसीज फेशियल रेजर अराउंड माई लिप्स टू रिमूव मेरे लिप्स के आसपास के बाल रेजर यूज करने से पहले मैं एलोवेरा जेल एज ए लुब्रिकेंट अपने लिप्स के आसपास अप्लाई एंड आई विल स्टार्ट शेविंग द हेयर अराउंड माई लिप्स और इस फेशियल रेजर के बारे में तो मैंने इतना रेव किया

ज वेरी अफोर्डेल प्रोडक्ट्स टू डू माई स्किन के रूटीन सो मैंने काम आयुर्वेद का रोज वॉटर अच्छे से स्प्रे किया अपने फेस पे यूज माई फिंगर टू पैट इट इन टू माई स्किन एंड देन आम गोइंग टू यूज टेन परसेंट वाइटमिन सी आमला फेसरम बाई डॉड्सन फ्यू ड्रॉप दिसव माई स्किन दिस इज अग्ना फ्रेंडली वाइटमिन सी सिरम दिस रियली हेल्प्स टू रिड्यूस हाइपरपिगमेंटेशन एंड ऑल्सो स्टलेट कल प्रोडक्शन इन टू द स्किन और एक इंस्टेंट ग्लो देता है आपकी स्किन को सनस्क्रीन आई बी यूज एकोलॉजिकल डू सन स्क्रीन दिस कॉन एक्ट एज अस्चराइजर एज वेल बिकॉज दिस इज वेरी हाइड्रेटिंग ऑन दिस

सो दिस वॉज माई पेर रूटीन फॉर टूडे अफोर्डेबल एंड ईजी टू डू आई डी होप आपको आज का वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा लाइक एंड शेयर कर देना इस वीडियो को सब्सक्राइब टू माई चैनल इफमरेडी आई मुझे टाइम विद्रांड न्यू कॉन्टेंट बाई एवरी वन टेक केयर